-14 डिग्री। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। आज फिर से नया दिन। आज हम जाएंगे चीचम ब्रिज और की मॉनेस्ट्री। बाहर है -14 डिग्री टेम्परेचर। गाड़ी को करते हैं हम अपनी स्टार्ट, तो देखते हैं ये क्या कहती है। एक स्टार्ट होगी। आज इसने कोई धुआं नहीं छोड़ा और जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गई है और कोई साउंड नहीं दे रही भाई। आज तो यार आज इसको आदत पड़ गई क्या यहाँ की बजाना। नहीं क्या कर रहे हो, पानी कितनी दूर से लेके आओगे अंकल जी अभी? अच्छा वो ये साथ में अंकल जी जो है ब्रिजा में रख के पानी वहाँ से लेके आएंगे। आगे से पानी लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। आगे बोर बैल है तो वहाँ से पानी लाया जाता है। हमारी गाड़ी भी अभी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। धूप जो है अच्छी तरीके से आ गई है और रोहित वहाँ पर बैठा है, आने का नाम नहीं ले रहा। और भाई ये देखो, मैं जस्ट गाड़ी लगा रहा हूँ ना, तो गाड़ी जो है लॉक नहीं लग रहा है इसका। और ये तो लगी लगी क्योंकि भाई दरवाजे अकड़ गए हैं, पाँव ना पूरी तरह से सुन्न हो रखे हैं। और अपनी जो बैटरियाँ हैं वो लगाते हैं चार्जिंग पे। ये वो प्राणी है जो अभी साथ में जा नहीं रहा, जो अभी पर्दा लगा रहा है। इसका नाम प्रीति है, आपने लास्ट ब्लॉग में इसको देखा होगा। तो इसकी सांस चढ़ रही है तो फिर चल ना, आ जा चल आ। हमारी पो से होती है शुरुआत और पो से डायरेक्ट जो रोड गई है ये गई है अपना काजा। और जब से हम चंडीगढ़ से आए हुए हैं, लास्ट टू डे से जो हमारी गाड़ी है 604 चल चुकी है, 604 किलोमीटर। और फिलहाल हम जा रहे हैं काजा की तरफ। तो काजा है वो से लगभग 50 किलोमीटर दूर। सामने देखो यार क्या व्यू आ रहा है, गजब। आज मेरा बैटमैन मेरे सामने नहीं है, कल से बैटमैन जो है सो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बैटमैन को बाद में लगाऊंगा, वो वीडियो में देखेगा सारे नज़ारे जो भी आ रहे हैं अभी बाहर के। और गाइस सामने बर्फ़ से ढके पहाड़ और सिचलिंग यहाँ से 8 किलोमीटर है और ये है ब्लाइंड मोड। और भाई साहब क्या व्यू है यार, सीरियसली आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरा कैमरा जो जस्टिफाई कर पाएगा इन व्यूज़ को। और क्या यार, आप रॉक्स को देखो यार भाई यार। ग्रिफ वर्कर हैं तो ये इनका काम क्या रहता है कि जो भी छोटे छोटे पत्थर जो है या चट्टाने आती हैं, जो भी छोटी छोटी चट्टाने आती है तो इनकी सफाई करते रहते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस जॉब है इनकी, क्योंकि चट्टान या पत्थर कभी भी बहुत ज़्यादा गोली की रफ्तार से आता है नीचे, तो जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो भाई इनके लिए भी हैट्स ऑफ है कि ये सारे रास्ते जो है क्लियर करते रहते हैं। हम माउंटेंस के और करीब आ रहे हैं जो स्नो माउंटेंस हैं। पीछे हमारी एक गाड़ी आ रही है और तो उसको हम पास दे देते हैं क्योंकि भाई इसकी बड़ी गाड़ी है, टायर बड़े हैं और हम छोटू सी गाड़ी में हैं तो हम अपनी स्पीड से चलेंगे। और भाई साहब अपनी स्पीड से चलेंगे तो यहाँ पे जो है पास देना लाजमी है। तो ये देखो भाई साहब, वो देखो ऊपर से पत्थर, ये पत्थर नीचे आते हैं और यहाँ पे ये बैठे होते हैं। झाड़ू दिया उनको एक और बस इसी से इन्होंने सारा साफ सफाई करनी है। ठीक है, ओके बाय। अच्छा तने, तो गाइस ये लोकल लैंग्वेज है, झूले बोलते हैं नमस्ते और अच्छा तने बोलते हैं, फिर मिलते हैं। और इन्होंने बोला कि यहाँ से अपनी गाड़ी जल्दी निकाल लो क्योंकि ऊपर से शूटिंग जो स्टोन होते हैं बंदूक की गोली की रफ्तार से भी तेज आते हैं, तो यहाँ से जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी यहाँ से निकलना ही बेहतर है। झूले बोलते हमारे मिस्टर रैम्बलिंग बाउंड्रीज के सदस्य। मजा आता है भाई। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली क्रोकोडाइल की शेप में है, शायद आपको इससे इनविजिबल होगा कि नहीं होगा,
ये ऑटोमेटिकली स्नोफॉल और ये जो नदी है इसके पानी के बहाव से बन गई है ऑटोमेटिकली। अभी जो है एक पत्थर जो हमारी गाड़ी के आगे गिरा और और भाई मेरा कैमरा जो है बंद था, बोनेट के ऊपर टन हुई और गाय पत्थर, और गाड़ी यहाँ से रफ्तार से निकाल दूंगा मैं। बाकी पहले मैं बहुत धीरे चल रहा था, अब जो स्पीड है मेरी अप्रॉक्स 60-70 हो चुकी है। तो भाई यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं, मैं रुका नहीं हूँ, चली हुई गाड़ी के ऊपर जो है पत्थर गिर गया। देख सकते हो जो फाउंटेन था पूरा का पूरा फ्रीज हो रखा है अभी। भाई नीचे का नजारा यार क्या गजब है। तो ये है नजारे काजा के। अभी हम पहुंच चुके हैं काजा के मेन रोडों में, और भाई रोड देखो यार, सीरियसली कोई भी खड्डा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, और बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रोड है। और गाड़ी जो है मेरी 80-90 की स्पीड में जा रही है, बिल्कुल परफेक्ट रोड है। आपको दिखाई नहीं देगा मीटर भी, क्योंकि मीटर थोड़ा सा डार्क है और ज्यादा विजिबल नहीं हो पा रहा अभी। ओ वाओ गाइस, ये देखो यार पूरा फ्रीजिंग रिवर है, रिवर नहीं है ये आपका तालाब है कैंपिंग। अरे वाह भाई क्या गजब का व्यू है यार। तो गाइस ये व्यू तो था बहुत गजब का था, काजा की सड़कों में आपको ऐसा व्यू दिख सकता है, मजा आ गया देख यार। और आपके साइड में जो है पेड़ कितने प्यारे लगे हुए हैं, और देखो भाई हर एक पर्सन जो है इस चीज को क्रॉस करके ही आता है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है। मुझे थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखने लगी है हमारे साइड में, तो होपफुली ऊपर भी हमें बर्फ दिख जाए। और अभी जो है हम काजा में हैं, और काजा से जो है हमारे साथ मासी जी जुड़ चुके हैं। मासी जी हेलो बोल दो। हेलो। सामने देखो बर्फ का नजारा क्या है भाई, काजा में तो नजारा ही अलग। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. मीटर का रास्ता है यहाँ से, मेरे हिसाब से इस साइड तो मुड़ना बेकार है, हमें सीधा निकलना चाहिए। सामने ऊपर आसमान में बादल हैं, और जो बादलों का शेड है पहाड़ी पे गिर रहा है, और कितना प्यारा लग रहा है। मेरी
गाड़ी जो है स्मूथली निकल रही है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, हैचबैक गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी तक गाड़ी में। और लास्ट दो तीन दिनों से जो मैं गाड़ी कंटिन्यू चला रहा हूँ, 14 साल पुरानी गाड़ी है जो कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सर्वाइव कर रही है। और भाई ये देखो नज़ारे यार, वाव, यही तो मज़ा है। नीचे मैं जाऊँगा नीचे पानी में आते टाइम, गाड़ी यहाँ पे साइड में लगाएंगे, प्रिसी को दिखाएंगे क्लिप्स सारी। फाइनली ड्रीम कम ट्रू, अपना चीचम ब्रिज ये रहा, टॉप से कुछ ऐसा दिखता है। अभी जो है हम नीचे जाएंगे चीचम ब्रिज, और ये रहा यहाँ का नज़ारा, वाव यार वाव। तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँगा अभी नीचे जा करके। हम जो है गाड़ी को ऊपर ले आए हैं और हमें जाना था नीचे वाले रास्ते से, और नीचे भाई क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। और यहाँ पे भाई स्नोफॉल और मेरे फुटप्रिंट जो मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, वाव। और भाई गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है, अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जो है पोज दे रही है, और मौसी जो है किरण का फोटो बना रहे, वीडियो बना रहे। मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, और आगे से जो है हम एक शूट करेंगे छोटा सा। मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके, आगे से जो है याक भी आ रहे हैं। किरण खिड़की बंद करना। गाइस ये है चीचम ब्रिज की हाइट यहाँ से, जो कि बहुत ज़्यादा गजब है। हाँ, मैं सबसे टॉप पे। तो गाइस ये है चीचम ब्रिज का अंदर से नज़ारा, और वही क्या गजब व्यू है यहाँ का। चीचम ब्रिज का भी एक मेरा ड्रीम था जो आज फुलफिल हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम फिर से चीचम ब्रिज जाएंगे, आपका सपोर्ट रहा, आपका साथ रहा, तो जल्द ही हम फिर से इन वादियों में आएंगे। और नीचे का नज़ारा देखो, ओ भाई क्या जबरदस्त व्यू है। और ये रहा पूरा चीचम ब्रिज जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है इस टाइम, और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसको बनाने में लगे 259 लाख। और ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, चीचम ब्रिज किस तरह से जाते हैं। और अगर आप यहाँ से इसकी हाइट देखोगे तो आपको शायद दिख नहीं पाए, क्योंकि ये गोप्रो में जूम करना अलाउड नहीं है, शायद उन्होंने फंक्शन नहीं दिया गोप्रो वालों ने। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप नेक्स्ट वर्जन इसका बनाओगे आप, तो इसको प्लीज़ थोड़ा एडवांस करना। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। इसकी हाइट अप्रोक्स आपको मैं आगे दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो है ये कम से कम आई थिंक 300+ feet होगा। मैं आपको एक जबरदस्त व्यू दिखाने वाला हूँ, और ये देखो जैसे गाड़ी से नीचे उतरते ही भाई नीचे देखो नीचे, और गाड़ी मेरी यहाँ पे खड़ी हुई है, और भाई ये रहा नीचे का व्यू। रोहित, ये है चीचम ब्रिज का टॉप का व्यू जो बहुत ही गजब है भाई। और यहाँ पे छोटी मोटी स्नो पड़ी हुई है जो बहुत अच्छा फील दे रही है। अभी आपको एक डेमो करके दिखाएंगे, यहाँ से पत्थर को नीचे जाने में कम से कम कितना सेकंड लग रहा है रोहित? रोहित ने फेंका था भाई 18 सेकंड लग रहे हैं पानी में, पर पीछे रहा है रोहित, पीछे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर गिर गया तो रुक, अब मैं देखता हूँ, मैं फेंकूंगा पत्थर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 10 सेकंड में पहुँच गया, तो यहाँ हाइट कम हो जाता है। तो चले, तो अभी हम जा रहे हैं की मॉनेस्ट्री। तो इस प्लेस से आ गए अभी अलविदा लेने का टाइम, और नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पे विजिट करेंगे। बहुत अच्छा नज़ारा है, अगर मे भी अगर यहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती तो मैं इस नज़ारे को मिस कर देता। अच्छा हुआ फिलहाल यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, नहीं तो मेरी गाड़ी जो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती थी। अब मेरे को भूख भी लगने लगी है, तो बाई 2:24 हो चुके हैं, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है।
तो गाइस जाते टाइम मैंने बोला था इस नदी में हम जाएंगे और हम उस नदी में जा रहे हैं और टेस्टिंग करेंगे कि ये जाने के लायक है भी या नहीं। और भाई रोहित ने उद्घाटन कर दिया है। चल भाई चल चल चल, कम ऑन कम ऑन, ढूंढ बेटा, जस्ट चिल, दरार तो नहीं आ रही। तो गाइस अभी हमें बर्फ की चादर के ऊपर, और भाई मोटी स्लिपरी है ये तो, ऐसे नहीं मैं धक्का मारता हूँ तो भाई है? बीच में कहीं वो गया गड़बड़। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रील बनाने वाले हैं और हम ऑटोमेटिकली चल रहे हैं ब्रो। पकड़ रील किया तड़ता लगी होंगी। यहाँ पे जो है मैंने अपना पूरा सूट कंप्लीट कर लिया है। नदी है यहाँ पे, पूरा तालाब हुआ करता था जो पूरा इस टाइम फ्रीज हो चुका है। अभी हम पहुंच चुके हैं अपना की मॉनेस्ट्री और यहाँ पे जो है टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं। और मैं आपको नीचे का व्यू दिखा देता हूँ। नीचे जो व्यू है बहुत ही खतरनाक है, उस गेट से जो हम अभी आए हुए हैं। और ये है काजा से आने वाली रोड जहाँ से हम आए थे, पूरी सांप बनी हुई रोड की, क्या मस्त नज़ारा है। और वो रोड घुमा फिरा करके हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये है अपनी एंट्री घी गोम्पा के लिए। जो लोग व्यू लेते हैं ना, जैसे एक पूरी पहाड़ी, मेरे को नहीं पता यार कहाँ से आता हूँ यार। गाड़ी आप देख सकते हो मैंने पीछे खड़ी करी हुई है, और रोहित आज फोटोग्राफर का रोल निभा रहा है। और भाई आप देख सकते हो नज़ारा यार, क्या प्यारा है। ये प्रथा है कि यहाँ पे ये आपको घुमाने पड़ते हैं और जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये अखंड ज्योत है जो यहाँ पे जल रही है। ये है आपका अंदर का व्यू, पर यहाँ पे आपको जो है साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और यहाँ पे आपके कैंडल्स वगैरह, आपका दीपक जले हुए हैं, और सामने जो है गुरु की मूर्तियाँ रखी हुई है। यहाँ पे इनके शायद ग्रंथ वगैरह हैं, और ये हैं गुरु। तो मुझे इतने बारा ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने आपको जो है एक ओवरऑल व्यू अंदर का जो है दिखा दिया है कि इस टाइप का व्यू जो है यहाँ पे रहने वाला है। ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकता यहाँ पे। यहाँ पे जो है एंट्रेंस है, और यहाँ पे ये कुछ अपना कुछ फंक्शन होगा तो कुछ ये तैयार कर रहे हैं, वो आटे से तैयार किया जाता है मे बी। तो ये है यहाँ का व्यू। तो कल क्या फंक्शन है यहाँ पे, कल क्या फंक्शन है? हार्ट सुथरा। अच्छा, हार्ट सुथरा है जी, तो कि लाइफ ऑफ एम्प्टीनेस के बारे में जो जिक्र करते हैं ना, ओके, उसके बारे में, उसमें है ना सूत्रयाना और तंत्रयाना दोनों होते हैं। हाँ जी, तो ये तंत्र विद्या के जरिए हम इसको पूजा पाठ करवाते हैं। अच्छा, आप सूत्रयाना में जाएंगे तो फिर आपको अलग स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो हार्ट सूत्रा का यही मीनिंग है, जो हमारे ब्लैक मैजिक का वो लग जाता है। अच्छा, ब्लैक नजर लग जाता है, कहीं का लक डाउन चलता है जी, उसके लिए ना ये सारे जो ब्लैक एनर्जी जो पैक होने के लिए पूजा किया जाता है। ओके, है ना, तो उस चीज के लिए ये पूरी तैयारी हो रही है। यहाँ पे फोर कलर दिख रही है आपको, व्हाइट है ना, रेड है, ब्लैक है और येलो है। हाँ जी, ये चारों है ना फोर डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये कलर जो है किस क्या क्या देखो ना, हर एक प्लेस का अपना एक देवता हो जी, है ना,
चाहे राक्षस हो जी, हर अपना उनका एक अपना एक प्लेस होता है जी। जो येलो जो डेप्थ होते हैं उनके लिए ये किया हुआ है, ब्लैक उनके लिए, रेड उनके लिए, फिर इन सबसे अलग फिर हम जो अभी तो बनाना पड़ेगा, अभी प्रिपेयर हो रहा है अंदर जो मैंने यहाँ पे मेन फोटोज वगैरह लेने के लिए कहाँ पे जगह है जहाँ पे अच्छा व्यू है मोनेस्ट्री का? फोटो बहुत अगर अच्छा चाहिए तो आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा जी, वो ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे जहाँ आपने गाड़ी पार्क किया वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे स्कूल मिलेगा जी, फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो एक और टेंपल दिखाई देगा जी, उससे थोड़ा पतला रास्ता आगे हो जाएगा जी, वहाँ थोड़ा सा 2 मिनट का ट्रैक है, चढ़ जाओ वहाँ में एक टंकी दिखाई देगा ना जी, वहाँ से आप शूट कर सकते हैं, अच्छा व्यू आएगा जी। धन्यवाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा प्रोडक्शन के लिए इसको बैंड को बनाया जाता है, कईयों को लगता है कि ये स्प्रे धागा है जी, पर इसमें कितना मंत्र आगे जाप करके बनाया होगा ये सिर्फ यहाँ के जो भिक्षुस है वही जानते हैं जी, है ना। तो अगर हाँ इसको पहन के बाद में डिस्ट्रॉय करना है तो साफ जगह में फेंक सकते हैं, किसी पेड़ में लगा सकते हैं या जला सकते हैं या किसी जो स्वच्छ पानी होते जो बेचते हैं उसमें बहा भी सकते हैं जी। ओके, ये प्रोटेक्शन के लिए, तो मैं भी एक ले रहा हूँ अपने लिए, और इसको बांधते हैं या क्या करते हैं गले में? ठीक है, तो इसको मैं अपने गले में डाल देता हूँ, पकड़ना मैं डालता हूँ, तो इसको फिलहाल मैं अपने गले में डाल रहा हूँ क्योंकि काले जादू और इन सब चीजों से जो है प्रोटेक्ट करता है, ग्रह वगैरह जैसे होते हैं ना तो ग्रह वगैरह से जो है प्रोटेक्ट करेगा, तो मैंने भी एक के डाल लिया है। बांधो, डबल बांधो, नहीं तो निकल जाएगा। तो अभी जो है आई थिंक रोहित नीचे चला गया गाड़ी के पास, और जो फोटोज वगैरह हैं बोल रहे हैं कि जो पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी हमें, फोटो खींचने के लिए हमें काफी आगे जाना पड़ेगा, ट्रैकिंग है पैदल। हमें को लगी है भूख, हमका खाना है खाना, क्या बोलते हो भैया? तो सबसे पहले थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद जस्ट हम वहाँ पे जाएंगे और फोटो क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इतनी दूर आए हुए हैं तो फोटो क्लिक नहीं की तो फायदा क्या है। नोरियन कैफे, कहाँ पे लगानी है गाड़ी? पूछो तो कुछ है खाने पीने को? चलो गाड़ी यहाँ पे लगा देते हैं, खाने पीना तो मिल ही जाएगा फिर। तो गाइस सवेरे से हमने कुछ नहीं खाया था, ब्रेड और चाय पी थी वो भी पोह में, और फिलहाल यहाँ पे एक कैंटीन है और कैंटीन में जो है हम अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। और रोहित आगे चला गया था, मैंने पीछे जो है गाड़ी से स्टिकर लेके आया हूँ, क्योंकि रोहित ने बोला कि यहाँ पे आप स्टिकरिंग अपनी लगा सकते हो जो आपका चैनल है, तो मैं यहाँ पे अभी स्टिकर लगाने वाला हूँ। भाई सीरियसली यार, कैफ़े का नज़ारा देखो, क्या मस्त बना के रखी है पेंटिंग्स वगैरह। हेलो भैया, और जी तो गाइस अभी आ चुका है चौमिन, चौमिन आपने मंगवाई ना, आप लो ना। अभी मैं हूँ की मोनेस्ट्री में और यहाँ पे भैया का अपना रेस्टोरेंट है नोरियन कैफे और भैया वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ें जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सारे अपना अपना यहाँ पे जो है स्टिकर लगा के जाते हैं। इसी के साथ जो है भैया से हम अलविदा लेते हैं, और भैया के पास हमने अपने 3 लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया, और मिलते हैं भैया आपसे फिर नेक्स्ट टाइम। चिचम ब्रिज में एक यहाँ पे है और एक काजा में लगाएंगे। ओ भाई थैंक यू यार भैया, हम वहाँ पे जाएंगे टॉप पे और वहाँ से जो है व्यू जो है वैली का बहुत अच्छा आने वाला है। इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोगों के लिए ताकि आपको जो है अच्छा व्यू मिल पाए। वाओ, अब बारह नज़ारा सक्सेसफुली। पे खाना खाया, फिर उसके बाद जो हम वहाँ से चल करके आए हैं यहाँ तक, जैसे कि वो लोग आ रहे हैं अभी, तो वो भी सेम कंडीशन है वो भी हमारी तरह कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से स्केटिंग ज़्यादा हो रही है क्योंकि पत्थर जो है बहुत ज़्यादा भुरभुरा है। यहाँ पे रोहित जो है फोटो वगैरह क्लिक कर रहा है और यहाँ पे जो है स्वीटी आई हुई है। तो गाइस अभी अपना यहाँ पे फोटो शूट हो चुका है कम्प्लीट, अपने फोटोज़ वगैरह जो भी क्लिक किया, बीच में आपने देखा होगा मेरी बैटरी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और टेम्परेचर जो है माइनस में है और बैटरी जो है भाई ज़्यादा देर चल नहीं रही है। की मोनेस्ट्री से जो हम यहाँ से निकल रहे हैं और ठंड ज़्यादा होने की वजह से लिथियम आयन बैटरी है जो कि जल्दी ड्रेन हो रही है, क्योंकि -15 टेम्परेचर जो है जा चुका है फिलहाल के लिए, और मेरी ये बैटरी भी जल्दी ही डाउन होने वाली है। तो मे भी जब हम मेन मार्केट काजा में पहुंचेंगे तो मेरी बैटरी जो है चार्ज हो जाए। एक बैटरी मैंने यहाँ पे जो है चार्ज की, अभी जो है मेरी बैटरी 26% है और दूसरी बैटरी जो चार्जिंग पे लगी हुई है, और फिलहाल हम थर्ड टाइम जो है अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा रहे हैं। एक बार जो है टॉपअप करवाया था बट अब जो है टैंक फुल करवाना है फिर से, और आधी से कम हो चुकी है टंकी क्योंकि कल हमने निकलना है घर। मैंने बंद कर दिया था, मैं जाने वाला था ना। यहाँ का वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप है ये, और ये एक लास्ट ही पेट्रोल पंप है, इससे आगे कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा।
छः बजे यहाँ पे बंद हो जाता है। आई नो दैट ब्रो। क्या बोल रहे हो? आई केम हियर फॉर ओनली 1000 पेट्रोल। ये लड़का बहुत खतरनाक है। तो गाइज ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप और यहाँ पे हम फ्यूल ले रहे हैं। मैं भी ये चिप कर रहे हैं आने वाले कुछ टाइम तक, जब तक हमारे नेक्स्ट जर्नी यहाँ पे ना आ जाए। तो गाइज यहाँ पे जो अपनी बैजिंग यहाँ पे लग चुकी है और ये वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप है और काजा में सिर्फ एक ही है। तो गाइज अभी जो मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद करने वाला हूँ क्योंकि जो है बैटरियाँ डाउन है और रिकॉर्डिंग करूँगा सीधा आगे काजा में जा कर के। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपना चीचम ब्रिज और ही मोनेस्ट्री को कवर करके और खा रहे हैं यहाँ पे खाना और आज बने हैं मोमो जो मैं खा चुका हूँ। तो मस्त ट्रेडिशन है, सारे यहाँ पे बैठ के ऐसे खाना खा रहे हैं और बीच में तंदूर जल रहा है जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। तो ये है यहाँ पे अभी एनवायरनमेंट। रात के बजे 11:04 और मैं कर रहा हूँ अपने एडिटिंग। ऋषि बैठा हुआ यहाँ पे और यहाँ पे बाकी सदस्य सो गए और यहाँ पे थोड़ा सा नहीं नहीं आंटी भी लोग सो रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या चाहते हो दुनिया से बाबूजी? रेलवे बाउंड्रीज क्या चाहती है? हम तो आशिक बनाया अपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल ने सगाया अपने पहले तो मैं शायर था पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया। अंकल अभी फुल एंजॉय के मोड में कहाँ जा रहे हो अब आप? लिटिल मोर हैं सच में सच में। तो यहाँ पे जो है ना अभी अंताक्षरी चली हुई है क्योंकि फुल मोड ऑन चला हुआ था और अंकल अभी तक चीचम ब्रिज नहीं गए हुए हैं। सीरियसली अंकल जी गया रात को देखा हाँ क्योंकि अंकल बहुत हैवी ड्राइवर हैं यानी कि नॉन स्टॉप चलते हैं। और रही बात प्रीसी की क्योंकि प्रीसी थोड़ा सा यहाँ पे बीमार था। अंकल जी जो है गाना गा रहे थे, आपने गाने को रोक दिया, प्लीज आप अपना कंटिन्यू रखो ना। मेरे गाना गाएंगे में दिल लेने वाले बनाया कहाँ बुड्ढे हो आप? अभी अभी गाएंगे ना हम। कब गाएंगे? गाएंगे तो अब लोग बेहोश हो जाए। नहीं होते बेहोश। प्लीज अंकल एक गाना अच्छे से गाओ। क्या हुआ तेरा वादा हो कसम तेरा वादा भूलेंगे दिल उस दिन तुम्हें उस दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा हो कसम वो इरादा बुड्ढा हो गए सांस फूटते ना। अंकल कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को आप? गाओ नाचो हाँ। इस जमाने में और क्या, बाकी कुछ जिंदगी में ले जाने की कुछ नहीं है। बिल्कुल अंकल एंजॉय लो। आप कैसे इतना खुश मिजाज हो और कैसे अपना एक... हम तो किसी को दुखी करने नहीं चाहते। बिल्कुल किसी को खुश भी नहीं रख पाते तो अपने दिल से हम खुश खुद ही रखते है। बिल्कुल है ना। हाँ जी यही है, हम तो बस खुद एंजॉय करते है, बाकी किसी को एंजॉय लो लोग भी क्यों, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं हम उसको भी एंजॉय करवाते हैं, एंजॉय करेंगे बाकी कुछ नहीं। और क्या जिंदगी में ही चार दिन, जिंदगी में क्या ले क्या जाना है कुछ नहीं है, लेने जाने ले जाने कुछ नहीं। हां जी एंजॉय लो एंजॉय करो सब कुछ खाओ पियो वही है और क्या। और यहां पे अंकल जी ने तंदूर जला रखा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है मोमोज खाए थे तो मोमो खाना तो आप लोग भी इच्छा करिए हम खिला देंगे भेजेंगे। और क्या अंकल जी इसी यूट्यूब के हो रही है इसी में भेज देंगे हम बना के हम भेजेंगे इसी यूट्यूब में। अंकल ताऊ का ताऊ हमारा ताऊ में हिमालय कैफे है वहाँ आए हम खिलाएंगे वहाँ। अंकल जी का जो है ताबो में हिमालयन कर कैफे करके जो है एक होटल है, रेस्टोरेंट और होटल मिक्सअप है। तो वहाँ पे जो आपको लाजमी रेट में जो है होटल और खाना हर एक चीज वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो मैं अंकल जी का जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और सवेरे जो मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है आपको होटल का विजिट करवा दूंगा कि होटल कैसा है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। पूरा गेस्ट हाउस अच्छे तरीके से वहाँ पे अंकल जी ने वेल सेटल्ड किया हुआ है।
तो होम स्टे की फैसिलिटी भी दी जाती है यहाँ पे। और मेन क्या होता है, होम स्टे में आपको घर जैसा खाना दिया जाता है। प्राइस तो ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसके हिसाब से जो है प्राइस आगे पीछे होता रहता है। पर्टिकुलर कोई प्राइस है नहीं यहाँ पे, फिक्स नहीं है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करता हूं। चार डिस्काउंट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अजय के दोस्त हुए तब आपको 50%, मेरे दोस्त हुए तो 70%, अगर इनके दोस्त हुए तब तो 100% डिस्काउंट। तो ये तो है, रात के 11 बजे हमारी मस्करी चली हुई है। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, यहाँ पे हमारे कोई भी नेटवर्क नहीं है पो में आकर के, तो पो में आकर के जो है सिग्नल गायब हो जाता है। अभी हम जाएंगे ताबो सवेरे, तब जाकर के हम फिर वहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा। इसी के साथ आज के ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। ऐसा बोलो ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग चैनल को सब लाइक करे, सपोर्ट करे, आप लोग चले साथ हमारा। तो ये तो थी हमारी मस्ती रात की। और आप कुछ बोलना चाहोगे गाइस? गाइस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, यस अंकल जी, यस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, यो, इफ यू लाइक दिस चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आल्सो प्लीज शेयर योर कमेंट्स सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर वीडियोस एंड ही कैन मेक मोर वीडियोस। And you can also share some places for yes. to visit, like in Uttarakhand, Goa, like UAE, Goa jana chala gaya bhai. Dubai, USA, Canada, Germany, जैसे जैसे प्यार आ रहा है वैसे वैसे आगे जाएंगे. North Carolina. अभी तो लद्दाख है भाई, मेन लद्दाख है आपको. We are going out of India, bro. Yes. ये लेके जाएगा भाई अपने कच्चे पे. Sibiti. Okay. Yes. Some yes. visa on approval. Okay. We will get. No problem. Yes. You are coming you. इसका भी बताओ ना, आज इसने क्या किया सारा दिन? तेरा पड़ गया यूजलेस। इसको ना वीडियो में कट कर देना। नहीं नहीं, ये तो नहीं।